तो एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बिहार के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% वृद्धि हेतु वित्त विभाग से शीघ्र परामर्श भेजने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान BPNPSS के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कौशल ने वित्त विभाग में वेतन बढ़ोतरी का मामला लंबित होने की जानकारी दी। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं SS Live। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। बिहार पंचायत नगर प्राइमरी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में बिहार के सभी शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि के मामले को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्रीमान तारकिशोर प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर वित्त विभाग से शीघ्र परामर्श जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि वित्त विभाग में काफ़ी दिनों से लंबित संचिका को प्रशासनिक विभाग भेज दिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही संचिका वित्त विभाग से आगे बढ़ेगी वैसे ही 15% वेतन वृद्धि दर से वेतन निर्धारण हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री महोदय से गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारे विभाग से यह कार्य लंबित है तो निश्चित रूप से इस कार्य का संपादन शीघ्र करवा दिया जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर से आश्वासन दिया है और इस कार्य को जल्द से जल्द कराने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री से मुलाकात का समय दिलवाने में एवं इस समस्या का समाधान करवाने में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बैकुंठपुर के निवर्तमान विधायक माननीय मिथिलेश कुमार तिवारी जी का अहम योगदान रहा। उनका प्रयास सराहनीय रहा और उनके प्रयास से ये कार्य हो सका, ऐसा आनंद कौशल जी ने बताया। वार्ता के मौके पर बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार, प्रदेश उपसचिव प्रेम सखी कुमारी, गोपालगंज जिलाध्यक्ष प्रकाश नारायण, संरक्षक राकेश कुमार एवं पटना जिला के वरीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। तो आप सभी को बता दें कि ये बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो मामला आपको 1.5 साल से ऊपर लगभग हो चुका है इस मामला को, और ये मामला अटका पड़ा है और शिक्षा विभाग इसमें निश्चित रूप से संज्ञान नहीं ले रही थी, तो बार बार पत्र विभागों के द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा इस संबंध में लिखा गया, विभाग को जानकारी दी गई, फिर भी इस मामले को वहीं का वहीं अटका कर रखा गया हुआ था। और इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए बिहार पंचायत नगर प्रणामी शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री से मिल करके सारी बातों को अवगत कराया और इस पर पहल करते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों के वेतन की जो वृद्धि 15% होने वाली है, मूल वेतन में वृद्धि होने वाली है, तो इसे जल्द से जल्द कराया जाए, इसका उन्होंने अनुरोध किया। और उप मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इसे जल्द से जल्द काम करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके विभाग में यह मैटर अटका हुआ है तो निश्चित रूप से उनका विभाग जल्द से जल्द इस कार्य को करके और इसका संपादन कर दिया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।